नहीं एक मिनट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। हाँ एक और चीज़, रुक रुक के पढ़ने की कोशिश मत करना। हाँ एक और चीज़, यूट्यूब पे अपलोड करते वक्त मैं उसको ब्लर भी करूँगा। हाँ एक और चीज़, पढ़ लोगे ना तो ज़्यादा होगी। हाँ एक और चीज़ यार, मत पढ़ो यार, बहुत सीक्रेट लिखी है इसमें, ना पढ़ो तो अच्छा है। सही, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। सो यार अभी अभी मैं उठ गया हूँ और रात को सोने से पहले मैं मोबाइल को स्क्रॉल डाउन कर रहा था तो मुझे एक चीज़ नज़र आई जो कि मेरे दिल को यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे लग गई। जहाँ पे लिखा था कि अगर आप के साथ कोई कोई ऐसा बिहेवियर कर ले कि जो आप ना भूल सकें, कोई आपके साथ बदतमीज़ी करे, कोई आपको अपना रौब दिखा ले, या कोई आपके साथ ज़्यादती करे किसी भी किस्म की, और आप उसको अपनी साथ अपने दिमाग में सेव करते हो, तो आप गलत कर रहे हो भाई साहब, गलत कर रहे हो, एक्सेप्ट इट। तो ज़्यादातर लोग ये होते हैं कि जिनके साथ कुछ हो जाता है, मतलब कोई उनको बुरा भला कह दे, कोई जान पहचान वाले उनको कुछ नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो एक डायरी होती है जहाँ पे लोग लिखते हैं, तेरे भाई भी लिखा करता था, जिसमें बहुत सी चीज़ें थी कि यार सुबह उठती ही मैं उस डायरी को उठाऊंगा और उसमें जो कुछ लिखा है उसको मैं पाड़ के फेंक दूंगा, क्योंकि भाई साहब बुरी चीज़ों को कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहिए। मैं जब भी अपने उसको दराज को खोलता हूँ, खैर तो अभी तक तो जब से लॉकडाउन लगा है ना तो भाई ने खोला ही नहीं, उसकी चाबियाँ भी गुम हो गई है। तो मैं जब भी उसको खोलता हूँ तो मैं इस तरह जब अपने डायरीज को देखता हूँ तो वो पुरानी चीज़ें दोबारा मुझे याद आती हैं जो कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। तो उसने जो लिखा था बहुत सही लिखा कि इन चीज़ों को कभी अपने जहन पर सवार ना किया करो, इनको हटा दो। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा था कि मैं उठूँगा तो मैं सबसे पहले जाऊँगा अपनी डायरी को खोलने, और उसके बाद मैं अपनी डायरी में जितनी भी मैंने लिखाई की हैं उसको मैं ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि बुरी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहता। कल को अगर वो शख्स जिसने मेरे साथ कोई बदतमीज़ी की है, कुछ बुरा भला कहा हो और वो मेरे सामने आ गया, तो अगर वो मुझसे कोई काम करवाना चाहता है, कोई मेरा हेल्प लेना चाहता है और वो चीज़ें मेरे सामने होंगी, तो शायद उस चीज़ की वजह से मैं उसको मदद नहीं करूँगा। तो मैंने डिसाइड किया था कि भाई वो चीज़ें हटाएगा, दिल साफ करेगा कि ये चीज़ें नहीं होगी, बस फाइनली यही डिसाइड हुआ। तो बस अभी अभी उठा हूँ तो नाश्ता भी अभी तक नहीं किया है, तो सबसे पहले जाके उसका मैं वो सब कुछ पाड़ दूँगा। तो चलिए जी, ये आप देख सकते हैं ये है मेरी वो टेबल जहाँ पे आप गर्द को जो जितने भी गर्द है उसको आप इग्नोर कर दें। अब इसकी चाबी मेरे पास है ही नहीं, इसको खोलूँगा कैसे, वेट। अच्छा सॉरी यार थोड़ा तेज़ी हो गया मैं, तो सबसे पहले खोलेंगे इसको। इधर गया तू, इधर मैं यार, तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा वो एक मिनट यार थोड़ा लाइटी शाइटी ऑन कर दूँ, बिजली है नहीं लेकिन हाँ ये एक चीज़ है, इसको ऑन कर लेता हूँ, वेट। फाइनली रिंग लाइट भी सेट हो गई, दाढ़ी शाड़ी भी बड़ी हो गई है, तो इसको खोलने का तरीका एक ही है भाई साहब कि लॉक को तोड़ दो, और कोई चारा ही नहीं, चाबियां तो है ही नहीं। अब ये मैं आपको अपनी छोटी सी ये आप देख ले, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको मैंने कब से नहीं खोला, और जी चीज़ें इसके अंदर है उसको इस उसी तरह ही रहने देंगे, क्योंकि उसको खोलने का फ़ायदा नहीं है, कुछ चीज़ें सीक्रेट होती है, मैं नहीं चाहता कि मैं उसको दोबारा रिपीट कर सकूं। ये आप देख ले, इस पर लगा दिया भाई ने क्रास, हतम तू आज हतम, तेरे दिन हतम भाई साहब। तो इसको सबसे पहले ये खोल दिया, अबे यार क्या यार, ये देख ले। खैर मैं उसको तो ब्लर भी करूँगा लेकिन स्टिल ये आप देख सकते हैं, मैं इस तरह कर लूँगा ना कि आपको नज़र भी ना आए और आप
उसको पढ़ भी ना सके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप पढ़ दें। ये देख ले भाई साहब, मैं नहीं चाहता कि आप पढ़ लें, सही है। सीक्रेट्स भाई सीक्रेट्स, हाँ लिखाई ऐसी है कि आप, आई नो कि आप इसको पढ़ भी नहीं सकते। इसको मैं उल्टा दिखा दूंगा कि आपको समझ भी ना आए, सही है। तो सबसे पहले ये जो जितने भी पेजेस है ना, इसको मैं फाड़ दूंगा, क्योंकि यार वो कहते हैं ना कि बुरी चीज़ों को हमेशा अपनी ज़िंदगी से, ये देखे भाई की इंग्लिश देख ले, इंग्लिश भी सीधा नहीं कर सकता, ना पढ़ ले यार। अब बहुत से लोग इसको ए ए रुकेंगे और देखेंगे क्या लिखा है इसने, अबे इसने लिखा क्या है। तो यार ना करो यार, बस छोड़ दो उसको। इसका एक दिन आएगा जब मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा। ये आप देख लो भाई की इंग्लिश, और गुलाबी इंग्लिश। ये एक चीज़ थी जो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था, जिसको फिर मैंने उसको हटा दिया कि यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्यों यार ऐसी ऐसी फजूल में क्यों बुरी चीज़ों को कलेक्ट कर रहा है। अच्छी अच्छा जी, ये देख ले, ये खैर वो मैं नोट, एक नोट लिखा है साथ में कि जिंदगी नहीं, ये एक वो थी, एक मैंने एक दो पेजेस लिख ली, फिर आखिर में उसका एक नोट लिख दिया। ये देख सकते हैं, खैर इसको आप पढ़ ले, क्या लिखा है, लिखा है कि जिंदगी ने बहुत बड़ा धोखा सबक दे दिया। तो यार वो मैं इसकी लिखाई में था ही नहीं, बस यार बस ये तो हो जाता है ना कभी नादानी में भी सब कुछ हो जाता है। तो इसको बस अभी मैंने पढ़ लिया, ये ले आपके सामने, वेट एक पेज मैंने ये ले, आह क्या आवाज़ है इसकी यार, बस सुन रहे हो, खामोशी खामोशी साइलेंस। इसकी जो आवाज़ है ना पढ़ती नहीं रही, इसको पढ़ दिया भाई ने, बस यार ये हो गई। अब ये इसको आग लगेगी, क्योंकि ऐसा ना हो कोई कलेक्ट करके देख के क्या लिखा इस, खैर वो तो बाद की बात है। लेकिन हाँ एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी यार, कि जब तक मैं इसको ना पढ़ सकूँ, स्टिल मैंने कोशिश की, किया सुबह हो जाएगा, सुबह उठ जा, सुबह आराम से बैठ के आप लोगों को भी बताऊँगा कि इसकी वजह क्या, इसको पढ़ने की वजह यही थी कि बुरी चीज़ों को थोड़ा साइड पे करेंगे, सही है। और थैंक यू वेरी मच, लाइक यार लाइक अ फैमिली, येस यू आर लाइक माई ब्रदर्स, सो मैं हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें शेयर होने की होती ही नहीं। नहीं एक मिनट, सब्सक्राइब ज़रूर करना, हाँ एक और चीज़, रुक रुक के पढ़ने की कोशिश मत करना, हाँ एक और चीज़, यूट्यूब पे अपलोड करते वक्त मैं उसको ब्लर भी करूँगा, हाँ एक और चीज़, पढ़ लोगे ना तो ज़्यादा होगी, हाँ एक और चीज़ यार मत पढ़ो यार, बहुत सीक्रेट लिखी है इसमें, ना पढ़ो तो अच्छा है, सही। थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो।